पॉडकास्ट पर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्ण जय द्विवेदी। यूपी में कोरोना और पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक आज, सभी आला अधिकारी होंगे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 23 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 725 कंपनियां तैनात की जाएंगी। भारत में यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के कोरोना स्ट्रेन वाले केस की संख्या 400 के पार। बंगाल के नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला, बीजेपी कार्यकर्ता का सिर फटा। पीएम मोदी बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, सत्ता में आने के बाद हर हत्याचारी पर कार्रवाई करेंगे। लोकसभा में नितिन गडकरी का बयान, एक साल में हटाए जाएंगे सभी टोल बूथ, जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम केजरीवाल आज आला अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, दिल्ली की निर्मम सरकार ने माओवादियों की नई नस्ल बनाई। यूपी के रामपुर जिले में शादी की दावत के लिए घर में घुसी पुलिस ने मारा छापा, दूल्हा सहित परिवार के 6 लोग गिरफ्तार। यूपी पंचायत चुनाव, होली के बाद किसी भी दिन लग जाएगी आचार संहिता, 20 मार्च को जारी होगी 5 करोड़ के लिए आरक्षण की सूची। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगवाई वैक्सीन, कहा शराब की दुकानें खुली है जबकि बाकी के लिए है कर्फ्यू। मांडला में बारातियों से भरी गाड़ी पलटने से 6 लोगों की मौत, 50 घायल। बुलंदशहर में किशोरी से गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल, 3 युवक गिरफ्तार। भारत में पहली बार सदियों पुरानी घोड़ों की नाकबंदी की यूपी में शुरू हुई पढ़ाई। रोहिंग्या शरणार्थियों ने रिहाई की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को होगी सुनवाई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एसीबी का बड़ा एक्शन, 3 लाख रुपए की रिश्वत देते डीएम को गिरफ्तार। राकेश टिकैत ने की मांग, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों और कर्मियों को भी लगे कोरोना वैक्सीन। नोएडा सेक्टर 28 में गैस रिसाव के बाद फटा सिलेंडर, 6 लोग घायल। क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने का बनाया रिकॉर्ड। तमाम बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।